हेलो बच्चों, आज मैं आप लोगों को क्लास टेंथ की जो ये लेटेस्ट एडिशन की आपके पास आरडी शर्मा की बुक है ना, जो एमसीक्यू वाली है, एक तो इसकी मेन बुक है, उसके साथ आपको एक एमसीक्यू की बुक भी मिली होगी, है ना। तो आपको बताए, इस बुक के हम हर चैप्टर के केस स्टडी के क्वेश्चंस पहले कंप्लीट करें, फिर असर्शन और रीजनिंग के क्वेश्चंस करेंगे। तो आज हम चैप्टर नंबर 12 हाइट्स एंड डिस्टेंस का एक केस स्टडी का क्वेश्चन करेंगे। ये एनसीईआरटी में ना आपके पास चैप्टर नंबर 9 है, एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो कन्फ्यूज मत होइएगा, दोनों ही सेम चैप्टर है। हमने उस चैप्टर की ना एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री जो है, ये चैप्टर 9 या फिर हाइट एंड डिस्टेंस में बोलूँ, इसके हमने और भी केस स्टडी कर रखे हैं, वो चैनल पे अपलोड है, आप वो भी कर सकते हैं, ठीक है। चलिए इस बुक की भी देख लेते हैं केस स्टडी हम यहाँ पर। तो एग्जाम्पल नंबर 11 आपसे यहाँ पर क्या कह रहे हैं, अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th विजिटेड इंडिया गेट ऑन एन एजुकेशनल ट्रिप। एक क्लास 10th के बच्चे हैं, वो एजुकेशनल ट्रिप के लिए गए इंडिया गेट। द टीचर एज वेल एज द स्टूडेंट हैज इंटरेस्टेड इन हिस्ट्री बिहाइंड इंडिया गेट। तो उन्होंने इंडिया गेट की हिस्ट्री जानी, टीचर ने भी और बच्चों ने भी। द टीचर नरेटेड दैट इंडिया गेट ऑफिशियली नेम इज दिल्ली मेमोरियल, ओरिजिनली कॉल्ड ऑल इंडिया वार मेमोरियल, अ मोन्यूमेंटल सैंड स्टोन आर्क इन दिल्ली न्यू दिल्ली डेडिकेटेड टू द ट्रॉप्स ऑफ ब्रिटिश इंडियन हु डाइड इन वॉर फॉट बिटवीन 1914 एंड 1919। द टीचर ऑल्सो सेट दैट इंडिया गेट विच इज़ लोकेटेड एज द ईस्टर्न एंड ऑफ राजपथ इज अबाउट 138 feet मीन्स 42 meters इन हाइट। तो टीचर ने क्या किया, इंडिया गेट के बारे में उन बच्चों को बताया, साथ के साथ ये भी बताया कि जो इंडिया गेट की जो हाइट है कितनी है, फिट में भी दे रखी है और मीटर में भी 42 है। मेन हमारे यहाँ पर यही है अभी 42 meters वाला, क्योंकि इसी पे बेस्ड जो क्वेश्चंस होंगे हम उसमें हमारे को इसकी ज़रूरत होगी। देखो अब आपसे फर्स्ट क्या कह रहे हैं, वट इज़ द एंगल ऑफ एलिवेशन इफ दे आर स्टैंडिंग एट अ डिस्टेंस ऑफ 42 meters अवे फ्रॉम द मोन्यूमेंट। कह रहा है एंगल ऑफ एलिवेशन क्या बन रहा होगा अगर वो मॉन्यूमेंट से 42 meters अवे पे है। तो अगर हम यहाँ पर उसकी फिगर एक बार ड्रॉ कर लें, पहली बात तो मुझे ये एंगल ऑफ एलिवेशन यहाँ पर बताना है, ठीक है। तो ये मैं थीटा मान लेती हूँ, यहाँ पर हम इसको थीटा मान के कर सकते हैं। अब मुझे यहाँ पर इंडिया गेट की हाइट भी दे रखी है और ये भी बता रखा है कि वो 42 meters अवे पे हम खड़े हैं, बता रखा है ना। तो अगर मैं मान लूँ ये इंडिया गेट है तो ये 42 meters हो जाएगा और हम लोग यहाँ पर खड़े हैं तो ये इससे 42 meters की दूरी पे है। ये इसको मैं नाम दे देती हूँ, कुछ भी नाम दे सकते हो आप, ठीक है। तो मैंने क्या किया यहाँ पर PQR दे देते हैं नाम, या आप ABC भी दे सकते हो, तो ABC लिख दो। चलो यहाँ मुझे ये बताना है। तो देखो ये 90 degrees है, तो इसका मतलब ये हाइपोटन्यूज हो जाएगा मेरे पास, ये थीटा मुझे बताना है, तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये बेस हो जाएगा। परपेंडिकुलर और बेस का रिलेशन 10 बताता है, 10 थीटा, है ना। लिख लेते हैं यहाँ पर, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, तो P अपॉन B हो जाएगा, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, AB अपॉन में BC हो जाएगा, तो 42 अपॉन में 42 हो जाएगा, कट करके कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो 10 थीटा 1 कब होता है 10 की टेबल में, 45 पे होता है, तो थीटा यहाँ से निकल के आ गया मेरे पास 45 degrees। क्लियर हुआ। चलिए नेक्स्ट वाला पार्ट देखते हैं हम, पहले ऑप्शन देख लो 45 है, बिल्कुल है। नेक्स्ट कह रहे हैं इफ़ दे वांट टू सी एट द टॉप एट एन एंगल ऑफ 60 degrees। अब आपको 60 degrees एक एंगल दे रखा है, देन द डिस्टेंस वेयर दे शुड स्टैंड। कह रहे अगर वो 60 degrees के एंगल से देखें तो बताओ कि कितने दूरी पर वो खड़े होंगे। तो इस बार फिगर ये सेम ही रहेगी, इसमें कोई चेंज नहीं रहेगा, ये मुझे 42 ही दे रखा है, ये चेंज नहीं है। ये मुझे इस बार 60 दे दिया है और मुझे BC फाइंड करना है। तो परपेंडिकुलर और बेस है, तो इसमें भी मैं क्या कहते हैं लगा सकती हूँ अपना इजीली 10 थीटा ही लगा सकती हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ पर बेस निकालना है कि हम कितनी दूरी पे हैं, है ना। तो चलो यहाँ पर लगा देते हैं। पहली बात तो 10 थीटा हो जाएगा आपके पास AB अपॉन में BC। उसके बाद मैंने यहाँ पर लिख दिया 10 60, AB हो गया 42, BC नहीं पता है। 1060 की वैल्यू मेरे पास कितनी होती है, वो होती है मेरे पास √3 इंटू में BC आ जाएगा, इस इक्वल्स टू में 42 आ गया। तो BC कितना निकल के आ गया आपके पास 42 अपॉन में √3, पर रूट में नहीं छोड़ सकते, रैशनलाइज करना ही पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 42 √3 और नीचे आ जाएगा 3, इसको इससे कट कर दिया मैंने, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 114 √3, ये आपका आंसर मीटर में।
आप चाहो तो रूट थ्री की वैल्यू रख सकते हो, 1.732 जो होती है उसके बाद भी मल्टीप्लाई करके लिख सकते हो, नहीं तो यहाँ भी छोड़ दो, ठीक है। एक नंबर में तो आप छोड़ सकते हो इजिली, ऑप्शन में पता होना चाहिए ना, ऑप्शन भी तो देखें। हाँ ये तो भूल ही गए थे, ऑप्शन में ये है ही नहीं तो वैल्यू रखनी पड़ेगी, मतलब चलो रखते हैं 1.732 रख दिए, तो मल्टीप्लाई कर लो, अगर आप इसको 14 को 1.732 से मल्टीप्लाई करोगे अप्रॉक्स में आ जाएगा 24.28 कुछ आएगा, 24.24 समथिंग आ रहा है, 28 नहीं 24, पर ये अप्रॉक्स में आ रहा है। तो और देखो आपका ऑप्शन है ये रहा ए, दिख रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट कह रहे हैं, इफ़ द एल्टीट्यूड ऑफ द सन इज एट 60 डिग्री देन द हाइट ऑफ वर्टिकल टावर दैट विल कास्ट अ शेडो ऑफ लेंथ 20 मीटर। कह रहे हैं अब एल्टीट्यूड ऑफ सन मतलब थीटा दे रखा है 60, हाइट ऑफ वर्टिकल टावर बताना है मुझे कितना होगा अगर उसकी शेडो 20 मीटर है। तो पहले फिगर बनाओ, इन क्वेश्चंस में ना फिगर बना लिया करो, फिर आसान हो जाता है करना। ये मुझे 60 दे ही रखा है, ये मुझे कह रहा है 20 मीटर है, ये मुझको फाइंड करनी है। नाम दे दिया मैंने ए बी सी, अगेन लगाऊंगी तो 1060 ही, तो वो हो जाएगा ए बी अपॉन में बी सी, ये हो गया मेरे पास रूट थ्री, ये नहीं पता, ये हो जाएगा 20, यहाँ से मेरा ए बी निकल के आ गया कितना 20√3 मीटर। ऑप्शन में देख लो, ये रहा फर्स्ट ही ऑप्शन है, ठीक है। नेक्स्ट में क्या कह रहे हैं, इफ़ द रेशियो ऑफ द लेंथ ऑफ अ रोड एंड इट्स शेडो इज 1:1 देन द एंगल ऑफ एलिवेशन। ये तो देख के पता चल रहा है, मतलब रोड की लेंथ और शेडो की सेम है तो एंगल कौन सा होगा, 45 ही तो होगा, 1045 पे ही तो 1 होता है ना, तो ये तो सीधा ही आ जाएगा 1। नेक्स्ट में कह रहे थे एंगल फॉर्म्ड बाय द लाइन ऑफ साइट विद द हॉरिजॉन्टल व्हेन द ऑब्जेक्ट व्यूड इज बिलो द हॉरिजॉन्टल लाइन। कह रहे वो एंगल बताओ जो बिलो हॉरिजॉन्टल लाइन होता है, आपको पता होगा ये वाला जो एंगल होता है, अगर मैं यहाँ एक बार फिगर बना दूंगा आपके लिए, ये बिलो हॉरिजॉन्टल लाइन, तो ये एंगल ऑफ डिप्रेशन होता है ना जो यहाँ बना देते हैं हम ऑल्टरनेट कह के, है ना, ये बिलो हॉरिजॉन्टल लाइन ही तो है, अबव हॉरिजॉन्टल लाइन पे तो एंगल ऑफ एलिवेशन होता है, तो इसका मतलब इसका आंसर आएगा सी, एंगल ऑफ डिप्रेशन। क्लियर, ये थी आपके पास केस स्टडीज चैप्टर के 5 पार्ट्स थे, इस क्वेश्चन के 5 हमने कंप्लीट कर लिए। नेक्स्ट क्लास में इसका जो नेक्स्ट चैप्टर है उसकी कराऊंगी, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, पहले हम इस बुक की सारी केस स्टडी करेंगे, फिर हम इस बुक से असर्शन और रीजनिंग के क्वेश्चंस करेंगे, और जो हमारी मेन बुक है आर डी शर्मा की वो तो हमारी साथ साथ चली रही है, तो चैनल पे उसकी वीडियोस भी अपलोड हो रही हैं, आप उसे भी साथ साथ करते रहिए। रिफ्रेशर ज़रूर करके जाइएगा एग्ज़ाम में, खाली एनसीईआरटी सफिशिएंट नहीं रहेगी एग्ज़ाम के लिए, बोर्ड एग्ज़ाम के लिए, तो कहीं भी दिक्कत लगे कमेंट करके पूछ लेना। वीडियो अच्छी लगे आप इसे लाइक ज़रूर करना और अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसे शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।